मेरा नाम मोहन नायक है। तीन बजे से है ना किसको वोट देने वाले हैं आप? सर बीजेपी के साथ हैं। सभी लोग बीजेपी के साथ हैं सर? बिल्कुल। पूरा धरना चौक। वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर एक। अपने प्रत्याशी को जानते हैं जो यहाँ से? जी हाँ, केस रानी। अच्छा, केस रानी को ही वोट को देना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी की भी लहर और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे हिंदुवादी पार्टी है इसलिए साथ हैं इसके। मेरा नाम सोनम है और मैं अपना वोट बीजेपी के ही दूंगी। मैं आज चाहती हूँ कि मोदी सरकार आए, इसलिए मैं अपना मोदी सरकार तो है ही है, आने की क्या जरूरत है? दोबारा मोदी सरकार ही आए, इसलिए मैं अपना वोट। तो मोदी की क्या बातें अच्छी लगी आप लोगों को जो आप बार ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार आए? मोदी ना सर एक सनातन है, वो अपने काम पे एक हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, न कि मुसलमान, इसलिए वो मोदी सरकार को ही आए। तो हिंदू राष्ट्र के वजह से जो है या विकास के काम के लिए? हमारे विकास के काम के लिए जो मोदी सरकार ही आगे लेके जा रही है सर। सर हमें मोदी अच्छा। हाँ जी, मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू जी, हाँ जी, किसकी लहर है और किसको वोट देने वाले? बीजेपी का लहर है जी, मैं बीजेपी को वोट देने वाला हूँ। यहाँ पे दुकान पे भी आते हैं कस्टमर, बीजेपी का बहुत अच्छा लहर है जी और बीजेपी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी को जिताएंगे जी। हाँ जी बोलो। नरेंद्र मोदी को जो देना जरूरी है इसलिए जो अच्छा काम करते हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए हम चाहते हैं जो बीजेपी फिर से आए और अच्छा काम कर रहा है जी। हम सबको यही कहेंगे जो बीजेपी को जिताए। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। राजेश जी, हाँ जी, इस बार किसकी लहर है इस वार्ड में? एक बार वार्ड का नाम बता दें और किसको वोट देने वाले आप? हमारी वोट जाएगी बीजेपी को। अच्छा, इस बार लहर हमारी तरफ बीजेपी की है, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। लहर हमारी यहाँ पे केसरानी काम करती रहती है। और बताओ जी, केसरानी को हम वोट देंगे, हमारी कम से कम 15-20 वोट है, हमारी सारी वोट केसरानी जी को ही जाएगी, सारी घर की हमारी, बाकी मार्केट की हमारी जो भी है बीजेपी की जाएंगी। मेरा नाम नरेंद्र जी। नरेंद्र जी बताए, इस वक्त सरगर्मियां बहुत तेज है चुनाव को लेकर और तरह तरह के बातें भी की जा रहे हैं और विकास कार्य की बात की जा रही है, तो इस वक्त किसका काम अच्छा है, किसको वोट देना पसंद करेंगे? ऐसा जी, यहाँ दिल्ली के अंदर तो जो सब लोग यही चाहते हैं कि भाई जैसे यूपी में योगी राज है वैसे दिल्ली में भी योगी राज आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ही पूरा जोर शोर है जी इस टाइम। ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड नंबर एक है जी। जी, तो यहाँ से कौन से प्रत्याशी, उनका नाम पता है कुछ? हाँ जी, केशनाणी नील दमन खत्री। तो अभी यहाँ का माहौल क्या चल रहा है कॉलोनी में और अगर मार्केट की बात की? यहाँ चारों तरफ जो मार्केट वाले सारे एक तरफा जो है जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है और पूरी नरेला के अंदर फूल का ही फूल, मोदी मोदी हो रहा है जी, पूरी मतलब दिल्ली के अंदर मोदी मोदी हो रहा है इस टाइम। नाम बता दे। मेरा सुप्रिया। बता, इस बार चुनाव के अंदर क्या माहौल है और किसको वोट देने वाले हैं आप? सर इस बार चुनाव का माहौल तो अच्छा है पर हम अपना वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा, बीजेपी को क्यों देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस समय बहुत सारे महिलाओं के लिए बेनिफिट दे रही है। सर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया पर हम अपना वोट मोदी जी को देंगे। महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह, इस वक्त चुनावी माहौल के समय किसकी लहर है और किसको वोट देने वाले हैं आप? देखो जी, यहाँ तो जो है मार्केट में जो है बीजेपी की लहर है और पहले भी बहुत बढ़िया काम कर रखा था केसरानी ने, इसलिए मतलब यहाँ तकरीबन आदमी किसी को वोट देना चाहते हैं और तो बनेगी भी यही है यहाँ तो बीजेपी। इस वक्त जो आपके पास कस्टमर भी आ रहे हैं उनकी क्या राय है? उनकी सबकी यही राय है, जो यहाँ आते हैं दुकानों पे भी आते हैं कि जी हम तो उसी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, ये बात हो रही है। देवेंद्र सिंह बताए। हाँ जी, इस वक्त चुनावी माहौल है, लोग आपके दरवाजे पर वोट मांगने आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं, आ रहे होंगे, क्या कहना है? हम तो बीजेपी के आदमी है, बीजेपी को वोट देंगे और सभी कह रहे हैं यहाँ माहौल भी बीजेपी का है, केसरा ने बहुत अच्छा काम किया इसी वजह से उसको जिताएंगे, हिंदू धर्म के उस पर चलेंगे। तो अभी जो पार्षद है उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, बीजेपी का जो अभी आएगा केसरानी जी को देके जिताएंगे, पूरे बहुमत से जिताएंगे, मार्केट के अंदर सभी वो दिखा रहे हैं अकबर बीजेपी को। तो चलो, मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप, इस बार आगामी चुनाव को देखते हुए सभी लोग आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, क्या कहना है? हम
हमारा तो यही कहना है जी, जो मजबूत कैंडिडेट होगा जिसके जरिए हमारे समस्याएं हल होंगी, हम उसे ही चुनेंगे इस बार। अच्छा, कैसे पता करेंगे कौन मजबूत है और किसने काम किया किसने नहीं किया? इस चीज का तो फैसला जब जीतेगा जब पता लग जाएगा जी। और अभी प्रेजेंट में जो पार्षद हैं या इससे पहले पार्षद थे, उनका कार्यकाल तो आपने देखा ही होगा। हाँ जी, उनका संतोषजनक है। तो इस बार अभी निर्णय नहीं कर पाए आप? नहीं, निर्णय अभी सोचेंगे, जिस तरफ जैसा रुझान होगा देखेंगे। नाम बताए अपना? नाम दीनदयाल। दीनदयाल जी, हाँ जी, इस वक्त किसका माहौल चल रहा है आपके वार्ड में? यहाँ बीजेपी के पहले ही जीती थी बीजेपी, अभी जीतेगी। अच्छा, तो क्या कहना है अपने वार्ड की जनता के लिए? और वार्ड का नाम बता दे एक बार। वार्ड नंबर 1 केसरानी। अभी वार्ड की जनता को क्या संदेश आपकी तरफ से? सही है जी, सब काम करवाई थी केसरानी ने, पहले काम करवाया था, अभी वही आएगा जी, आनी चाहिए बीजेपी। तो इस समय आम आदमी पार्टी का भी तो रहल लहर है। हाँ जी, सब अपना अपने रहल लेंगे, अपने अपने सारी किस्मत कमाएंगे, किस्मत का खेल है। महासचिव मेन बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन नरेला। इस वक्त पूरे बाजार में मैं कई जगह घूम आया हूँ और बीजेपी का जो माहौल है वो लगभग लग रहा है यहाँ पर, और कुछ लोगों ने बताया कि आम आदमी और भाजपा भी दोनों की टक्कर है। तो आप क्या मानते हैं, किसको वोट यहाँ के मार्केट वाले देंगे? देखिए, व्यापारी वर्ग हमेशा से भाजपा के साथ रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई टक्कर नहीं है, भाजपा की जीत यहाँ निश्चित है। वैसे भी 2012 से लेकर 2017 तक जो श्रीमती केशरानी नीलदमन खत्री जी के विकास कार्य हैं, वो विकास कार्य आज तक सभी जनता को याद हैं, भलीभांति याद हैं, और उन्हीं विकास कार्यों के कारण केशरानी नीलदमन खत्री जी और भाजपा दोबारा इस वार्ड में दोबारा आ रही है। वार्ड नंबर बता देंगे जी? वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 1 नरेला। बता दे अपना एक बार। रामवती। बताइए, इस वक्त आप लोग किसको वोट देने वाले हैं और किसकी लहर चल रही है आपके वार्ड में? हमारी मोदी की सरकार की। हर बार मोदी को वोट देते हैं या किसी और को भी देते हैं? हर बार मोदी को ही देते हैं हम लोग। तो चाहे कोई भी आया, कोई भी चेहरा, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी? हाँ जी। तो मोदी को ही क्यों, क्या काम अच्छा लगा मोदी का? मोदी का सब अच्छा लगा जी, नाज गेहूँ जो राशन दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं, जो 2 साल हो गए राशन तो केजरीवाल भी फ्री में दे रहे हैं। हाँ, केजरीवाल भी दे रहे हैं। हाँ, तो मोदी भाई क्यों? हम तो कोई बात नहीं, मोदी को देंगे हम तो। अगर जी, इस बार आपके पास बहुत सारे प्रत्याशी वोट के लिए आ रहे हैं जी, और नए नए वादे भी कर रहे होंगे जी, तो इस बार किसका इरादा है, किसकी लहर है और कौन किस तरह के वादे कर गया, किसने पूरा किया किसने नहीं किया, इसके बारे में क्या कहना है, किसको वोट देंगे आप? देखो जी, मेरा इरादा तो ये है कि जल जो है उसको जड़ को देना चाहिए, अपने राष्ट्र निर्माण में ही सारी ये चीजें जो है समावेत हो जाती हैं, बाकी चीजें सारी बाद की हैं। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही जो है मेरा इरादा उनको वोट देने का है। पार्षद का इलेक्शन तो स्थानीय होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जब सिक्योरिटी नहीं होगी, उपद्रव होंगे, तो साफ सफाई होगी कहाँ पे, ये तो बता दो मुझे। तो अभी क्या कहना है आपका, मतलब क्या संदेश दे रहे हैं अपने वार्ड की जनता को? एक बार वार्ड का नाम भी बता। वार्ड नंबर 1। ठीक है जी, हमारा संदेश यही है कि भाई जो भी वोटर जो है अपनी सूझबूझ से दे, किसी के बहकावे में आके वोट ना दे। सुरेश कुमार जी, बताएं इस वक्त कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 42 इयर्स शौक है मेरी। बताएं किसकी लहर है और किसको वोट देंगे आप? यहाँ आम आदमी पार्टी की और बीजेपी मोदी जी सरकार की, दोनों की जबरदस्त टक्कर है। अब लोग बात, कोई भी जो वोट डालने वाले हैं कोई भी शो नहीं करेगा कि मैं वोट किसकी दूंगा, दोनों सबके प्रिय हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, सदा कार्य में आगे रहे हैं। नीलदमन जी पुरानी नेतागिरी में रहे हैं, भाजपा के अच्छे ओहदे तक पहुंचने की उम्मीद हम करते हैं, एमपी का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर मोदी जी चाहेंगे तो। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो जगदीश जी हैं वे समाज सेवा रहे हैं, निस्वार्थ नीलदमन जी और जगदीश खत्री जी की टक्कर है बराबर, दोनों की टक्कर आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, दोनों की टक्कर बराबर है। तो क्या लगता है कि यहां से एक उम्मीद होती है ना, जैसे कोई शायद निकल जाए? नहीं, देखो उम्मीद की बात तो ये है कि लोग बात कोई भी शो नहीं कर रहा कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन जिसकी किस्मत में राजयोग होगा
वही इस ओहदे का भागीदारी बनेगा। और हम आशा करते हैं कि जो भी जीते वो अपने क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा भाव, कार्य, सफाई, जल, हर चीज की सुविधा लोगों के लिए रखें। एक चीज के हम जरूर अनुरोध करते हैं कि जो अक्रोचमेंट पटरी वगैरह का ज्यादा हिसाब किताब जाम बना रहता है, या लोग बाग अच्छे ज्यादा अक्रोचमेंट करवाते हैं, या कोई भी घरेलू आदमी या दुकानदार गंदगी फैलाता है, उसके लिए सरकार एक अलग से सख्ती कानून बनाए जिससे कि आम लोगों को परेशानी ना हो। एक का चालान कटेगा तो दूसरा भी सुधर जाएगा। धन्यवाद।